नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं किशन गुप्ता आपके अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप बिगिनर्स को कैसे अप्रोच करना है सीजीएल के लिए, आप ये बताइए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें सबसे पहले मैं मैथ्स के बताऊंगा कि मैथ्स को आपको बिगिनर्स जो हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, मैथ्स को कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, यूट्यूब पे अगर फ्री मटेरियल से पढ़ना है तो कहां से और किस टीचर से पढ़ना है, सारी चीजों को जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो बातें हैं, एक तो उनके लिए जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा उनके लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको यूट्यूब से फ्री पढ़ना है। मैथ्स में दो पार्ट्स हैं, एडवांस और अर्थमेटिक। अगर आप कोचिंग लेके पढ़ना चाहते हैं जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में इस समय मिल रहा है, जैसे आपके आरबी रिवॉल्यूशन पे शुभम जैन सर हैं, उनकी कोर्स लगभग 1000-1100 के आसपास मिलती है। अब्बास सैनी सर का जो स्पार्टन या एक और कोई बैच आता है उनका, वो आपको मिलेगा 2000 के आसपास में, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए तो, जो आपको हर एक चीज एक जगह चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक कोचिंग को पकड़ के उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद प्रैक्टिस करिए। जो किताबें मैंने आपको बताई थी, जैसे एक पिनेकल की किताब मैंने आपको बताई थी और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेके 2018 तक के लिए, ये दो चीजें आपको करनी है। कोचिंग लेना है किसी एक टीचर से और जो टीचर मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है, और ये प्रैक्टिस के लिए पिनेकल के 6800 जो किताब आ रही है टीचर्स वाली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बात करते हैं दूसरी, जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि यूट्यूब से पढ़ें या जो बच्चे बहुत पहले कोचिंग कर चुके हैं और उनको रिवीजन की जरूरत है, उसके लिए मैंने एक पूरा रिसर्च करके एक चार्ट बनाया है। मैं आपको ये चार्ट प्रोवाइड भी करा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ में ये मैंने दिखाया चैप्टर्स, क्वेश्चंस, टीचर्स, प्रैक्टिस बुक्स। सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे हम ज्योमेट्री का एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं प्री में 2-3 और मेंस में आते हैं 12-13। बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किस टीचर से यूट्यूब पे पढ़े, यूट्यूब पे इनके फ्री क्लासेस मिलेगी आपको पवन राव सर की। पवन राव सर का पूरा आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट ज्योमेट्री की 30-32 चैप्टर्स मिलेंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस बुक के लिए आप रखेंगे पिनाकल को, पिनाकल प्रीवियस ईयर जो टीसीएस बेस 6800 बुक है, और सेकंड थिंग 2010 से लेकर 2017 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्योमेट्री के लिए आपको ये करना है। सेकंड चैप्टर आएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में प्री में 1-2 सवाल आते हैं, मेंस में 11-12 सवाल आते हैं। ये भी वास्ट कवर करता है आपके पेपर को। क्लासेस यूट्यूब पर फ्री मिली हुई पड़ी हुई हैं, आपको मिलेंगी पवन राव सर की प्लेलिस्ट में मिलेगी ये पूरी मेंसुरेशन की वीडियो, वहां से आप उसको कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस बुक के लिए आप पिनाकल को यूज करेंगे और वही सेम प्रीवियस ईयर 2010-2017। थर्ड चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा के लिए आपको प्री में 2-3 सवाल आते हैं, मेंस में आपको 11-12 सवाल आते हैं। ये भी बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है आपके पेपर में। क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएंगी, एक बहुत अच्छे मोहित गोयल सर हैं, इनका अप्रोच बहुत ही अच्छा, एग्जाम पैटर्न ऑफ व्यू से आपको इनका अप्रोच बहुत ही अच्छा लगेगा। मोहित गोयल सर, आपको इनकी वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी अलजेब्रा की इनके प्लेलिस्ट में, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप वहां से जाके बिल्कुल करेंगे। प्रैक्टिस के लिए सेम फिर वही थिंग है, पिनाकल की किताब लेनी है आपको और 2010 से 2017 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। चैप्टर 4 की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया कवर करता है आपके पेपर में। प्री में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आपके 10 सवाल आते हैं। इसकी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी, मोहित गोयल सर की ये क्लास मिलेगी आपको उनके प्लेलिस्ट में जाके। पिनाकल है बुक, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेम वही 2010 से 2017 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर 5 है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें आपको प्री में 1 क्वेश्चन मिलेगा, मेंस में 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। क्लासेस में आपको जो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनशॉट आपको फॉलो करनी है, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं उसी क्लासेस को आप फॉलो करके बेसिक सीख सकते हैं एचसीएफ एलसीएम का। बट एचसीएफ एलसीएम और नंबर सिस्टम ये बहुत ज्यादा कवर नहीं करता आपके, तो जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आपको फॉलो करना है और उनको बिल्कुल दिमाग में रख के जाना कि अगर इस पैटर्न का सवाल आएगा तो कैसे करना है,
बट मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से नंबर सिस्टम या एचसीएफ एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में टच नहीं करना है अगर आपने उसको नहीं लगाया है तो। अगर आप उसमें फंसते हैं तो आपका 2 से 3 मिनट जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है, वो प्री हो या मेंस हो। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि नंबर सिस्टम या एचसीएफ एलसीएम ये भी जो भी क्वेश्चन हो आप इसको फर्स्ट गो में कभी ना करें। ये तो था आपका एडवांस। अब हम स्विच करेंगे अपने पार्ट अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में हम सबसे पहला चैप्टर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन टोटली डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको किस टीचर को फॉलो करना है? मोहित गोयल सर के टीचर को, मोहित गोयल सर को ही फॉलो करना है। आपको इंस्पेक्टर चलीसा इनके प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी, इस 20 या 30 वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन सब में आपको पूरा कंप्लीट ट्रिक दिया हुआ है कि डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कैसे आप बिना पेन उठाए कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपको मिलेगी उस वीडियोस में। प्रैक्टिस के लिए आप उन्हीं के इंस्पेक्टर चलीसा के पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज और रेशियन प्रोपोर्शन, ये दो जो चैप्टर हैं ये बेसिक्स हैं आपके किसी भी मैथ्स के लिए। अर्थमेटिक में किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज और सिंपली रेशियन प्रोपोर्शन बिल्कुल आना चाहिए, इसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो परसेंटेज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा राकेश यादव सर की कंप्लीट परसेंटेज की वीडियो पढ़िए, 7 या 8 घंटे की, आप वहां से उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पिनाकल की बुक यूज करनी है आपको और 2010 से 2017 के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थर्ड चैप्टर है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आपको प्री में 1 से 2 सवाल मिलेंगे, मेंस में 4 से 5 सवाल मिलेंगे। ये प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, रेशियन प्रोपोर्शन, ये सारे क्वेश्चंस अब अलग अलग नहीं आते हैं, अब सारे एक दूसरे में मिक्स करके आते हैं ताकि पेपर को कैलकुलेटिव बनाया जा सके। यही काम DCS कर रहा है, केवल पेपर को कैलकुलेटिव बना रहा है। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आप पेपर को बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हो। आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और बेसिक्स अच्छा होना चाहिए बस। तो प्रॉफिट लॉस आपको कहाँ से पढ़ना है? प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है शुभम जैन सर से, आरबी रेवोल्यूशन जो चैनल का नाम है वहां से आप जाएंगे, वहां पर उनको प्रॉफिट लॉस की पूरी वीडियो मिलेगी आपको, वो पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस के लिए वही सेम पिनाकल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 टू 2017 कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्री में मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंस में मिलते हैं। सेम वही शुभम जैन सर से पढ़ना है आपको, उनका उनके चैनल पे ये पूरा कंप्लीट 5 या 6 घंटे का टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है, आरबी रिवॉल्यूशन चैनल का नाम है, आप वहां से जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सेम थिंग है, पिनाकल 6800 TCS पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर 2010 टू 2017, लेकिन आपको 2010 टू 2017 का जो प्रीवियस ईयर सबसे पहले करना है, उसके बाद ही पिनाकल पे स्विच करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेशियन प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन आपको प्री में 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा और मेंस में आपको मिलेगा 4 से 5 सवाल। इसको आप पढ़ेंगे रेमो सर से, रेमो सर अपना 10 या 11 घंटे का एक पूरा रेशियन प्रोपोर्शन का बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट वीडियो डाल रखा है उन्होंने, उनसे आप जाके रेमो मैथ्स चैनल पे पढ़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए सेम थिंग है, पिनाकल एंड द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा SICI। SICI का मुझे कोई कंप्लीट वीडियो मिला नहीं, बट हाँ ऐसे वीडियोज एक मिले हैं, कुछ वीडियोज हैं जो आप जिनको आप बार बार देख के 2-3 बार देख के अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय उनको आप टैकल कर सकते हो। पढ़ना कहाँ से आपको? गगन प्रताप मैथ्स एक चैनल है, गगन सर वहाँ पे आपको 5 या 6 घंटे की SICI की कंप्लीट क्रैश कोर्स टाइप का करा रखा उन्होंने, आप वहां से उसको कर सकते हैं। SICI जो पहले आता था और जो अब आता है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको मेन जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे ध्यान देना है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और केवल लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन, मतलब 2018 टू लेटेस्ट अभी तक जितने क्वेश्चंस SICI या हो चुके हैं उस पे आप उसको सॉल्व करके उस पे आप अपना कमांड बनाइए, तभी आप SICI का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर SICI का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है और आपको लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा है, तो बिल्कुल ही उस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में टच ना करें, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और पेपर खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। इसका भी कोई मुझे प्रॉपर वीडियो नहीं मिला, बट आपको बता दूं कि इसका ब्रेकेज क्या है कि प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो मुझे रेमो सर मैथ्स चैनल पे मिला है 10-11 घंटे का, उसमें आपको बेसिक्स मिलेंगे, एडवांस लेवल का मिलेगा, वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं और पिनाकल बुक को कवर करिए और प्रीवियस ईयर 2010-2017। 8वां चैप्टर है आपका एवरेज। एवरेज आपको प्री में 2 क्वेश्चन दिखाएगा, मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन दिखाएगा।
ये भी आपको रेमो सर के मैथ्स चैनल पे मिल जाएगा, 10 से 11 घंटे की एवरेज की कंप्लीट वीडियो है। इसको बहुत ही जरूरी देखना क्योंकि एवरेज चैप्टर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस और भी दूसरे चैप्टर्स के सॉल्व कर सकते हो। एवरेज का यूज बहुत ज्यादा होता है, जरूरी नहीं है केवल एवरेज के क्वेश्चंस ही एवरेज से सॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आप रेमो सर के मैथ्स चैनल से इसको जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप वही लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस ही देखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि पुराने सवालों में ज्यादा दम है नहीं। जो नए सवाल आ रहे हैं उन्हीं सवालों में आपको दम मिलेगा, उनको ही आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। यहाँ मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पेपर में अगर एवरेज का क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन पहले नहीं लगाया हुआ या पहले नहीं देखा है, आपका फर्स्ट ट्राई है, तो कभी उसको फर्स्ट गो में ट्राई मत करिएगा, नहीं तो वहां भी आपका टाइम वेस्ट होना है। अगला चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में आपको प्री में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। इसका भी कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिला मुझे यूट्यूब पे, पर बहुत रिसर्च करने के बाद एक वीडियो मिला है मुझे। एक चैनल है जीवी बिट मूवर करके, वहां पे 7-8 घंटे की वीडियो पड़ी है, आप वहां से जाके इसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप सेम ही वही पिनाकल के 6800 TCS पैटर्न और 2010 से लेकर 2017 तक के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। अब मैं आपको 2 चीज बताता हूँ, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन। ऐसे ये 2 चैप्टर हैं जो आप ना ही केवल एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन करेंगे, बट ये आपके अर्थमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगते हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप बहुत से क्वेश्चन को चुटके में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 चैप्टर्स को बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा ताकि आप यूज कर सके आगे। और जब भी आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उसमें एक बार कोशिश जरूर करिएगा कि क्या यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन या एवरेज का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अगर लगता हो तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये तो बात थी सारी यहाँ पे। एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप अगर किसी टीचर के प्रॉपर कोर्स को लेकर पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक प्रॉपर वे में प्रॉपर फ्लो में तैयारी कर सकते हो और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ये था टोटल मैथ्स के लिए। मैंने आपको बता दिया कि एक बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। दूसरी चीज बताऊं कि अगली वीडियो इस सीरीज में मैं ले आऊंगा इंग्लिश के लिए, उसको आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि बिगिनर को इंग्लिश में कैसे स्टार्ट करना है। आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई जोर शोर से करते रहें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।